हाय, मैं अकबर अली और आप देख रहे हैं अकबर अली ब्लॉग्स। आज हम एक आज हम अपने मधुपुर से जो धनबाद हाईवे है उस रोड को दिखाने लाए हैं। आप देख सकते हैं इस रोड का हालात। थोड़ा सा गाड़ी को जाने दो, जाइए जाइए आप निकलिए। तो दोस्तों, ये मधुपुर टू धनबाद ये मेन हाईवे रोड है और इस हाईवे रोड का आप हालात देख सकते हैं। कैमरामैन जरा दिखाइए रोड का हालात। ये अभी बरसात आने से पहले ये हालात है, तो आप देख सकते हैं जब बरसात आएगी तो इस रोड का हालात क्या होता है। एक्सीडेंट होने का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत सारे गाड़ी वगैरह यहाँ आने के बाद धीरे करके जाना पड़ता है और गिरने का चांसेस भी बहुत ज्यादा हो जाता है। तो हम झारखंड सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि इस रोड को मरम्मत किया जाए, जबकि ये 2-3 महीना पहले ही इस रोड का मरम्मत किया गया था। लेकिन पता नहीं ठेकेदार लोगों का पॉकेट ही भरने के लिए होता है या फिर क्या होता है। आप देख सकते हैं 6 महीना पहले इस रोड का हालात। और ये इस्तकाब भाई मेरे साथ आ चुके हैं, इतना सड़क टूटा है, इनसे जरा बात करेंगे हम लोग। इधर जा पा रहे हैं, पता नहीं यहाँ का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री क्या कर रहा है। तो जरा हम गांव के एक भैया मिले हैं, इनसे जरा हम बात करेंगे, पूछते हैं इनको क्या दिक्कत होती है। देखो लास्ट में मेरे को 500 में गार्ड लगाना पड़ा गाड़ी को, जैसे इतना सड़क टूटा है उधर पीछे साइड में। तो ये इस्तकाब भाई है, इस गाँव के है और ये आ रहे, तो इनसे जरा बात करेंगे। भैया, जो रोड है आपका गाँव में, यहाँ पे जो ठेकेदार वगैरह आता था जब बना रहा था, आप लोग नहीं बोले थे कि यहाँ खराब बन रहा है? बोले थे लेकिन उसका काम वही है। और यहाँ पे कितना होता है एक्सीडेंट, कितना बार हुआ? एक्सीडेंट तो 3 हुआ है एक ही दिन में। 3 एक्सीडेंट हुआ है और थोड़ा पीछे साइड में। और नुकसान काफी हुआ होगा, गाड़ी तो हुआ है। जब हम लोग दौड़ के गए थे वहाँ पे देखे हैं, किसी का आलू गिरा है, किसी का प्याज बिखरा हुआ है। अच्छा, तो गाइस आप देख सकते हैं गांव के लोग भी यहाँ बोले जा रहे हैं कि यहाँ एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं और काफी सारा एक्सीडेंट हो चुका है। लेकिन अभी तक ना ही सरकार यहाँ पे ध्यान दे रही है और ना ही कोई जो भी मुखिया है या फिर अगल बगल के यहाँ पे जो ब्लॉक है वहाँ पे वीडियो वगैरह यहीं से आना जाना होता है। वीडियो भी यही रोड से आते जाते हैं लेकिन कोई ध्यान नहीं है। ये देखिए अब एक टोटो आ रहा है, इसको भी दिक्कत करके घुमा करके जाना पड़ता है। कोई दिक्कत नहीं भैया। ये देखिए बहुत सारे लोगों को बहुत सारा तकलीफ होता है। जरा दिखाइए कैमरामैन इधर। ये देखिए ये मेन हाईवे रोड है, यहाँ पूरा खराब रास्ता है। यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर तक ये रोड पूरा टूटा हुआ है और ये पानी अभी तक जमा है, जबकि थोड़ा सा ही बारिश हुआ है और अभी बरसात आना बाकी है। तो जब बरसात आएगी तब यहाँ का हालात क्या होने वाला है आप लोग देख सकते हैं। यहाँ गांव के लोग देखिए, ये लड़का दिखा रहा है आपको पानी में यहाँ कितना पानी जमा है, जबकि अभी पानी और सारा निकल गया धीरे धीरे। तो ये सब सारी चीजें सरकार को ध्यान देनी चाहिए। हम रिक्वेस्ट करेंगे झारखंड सरकार हेमंत सोरेन से कि अगर आप तक ये वीडियो पहुंच रही है तो प्लीज आप इस रोड के बारे में जरा ध्यान दें और जो भी यहाँ पे मंत्री कैबिनेट है या फिर जो भी है उसको बोला जाए कि इस रोड का मरम्मत किया जाए, ताकि आम पब्लिक को सुविधा ना हो, असुविधा ना हो, एक्सीडेंट होने का डर होता है, उससे बचाव हो जाएगा। तो चलिए इसी तरह का वीडियो लेकर के हम लोग फिर मिलेंगे। और जहां भी किसी का भी गांव में किसी तरह का भी दिक्कत हो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, यहाँ नंबर डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, तो आप इसे कॉन्टेक्ट करें और मैं आपके लिए वीडियो बनाकर डालूंगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि आम पब्लिक के पास, झारखंड सरकार के पास पहुंचे और जल्दी से इस रोड का मरम्मत किया जाए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।